नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना काका दलित सिंह, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ लवली इनू फाइनेंस की। जी दोस्तों हाँ, यहाँ पर बिल्कुल से जो लवली इनू फाइनेंस है फेल हो चुका है। क्या पूरा का पूरा सिनेरियो है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको खुद समझ में आ जाएगा। एंड आप जो है यहाँ पर अगर लवली इनू के अंदर फाइनेंस के अंदर जो है फंसे हुए हो तो भैया ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो है जितने भी मेरे जो है यहाँ पर सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे लोग इस वीडियो को देखते हैं, बहुत सारे लोग जो है सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं लेकिन वीडियो जरूर देखते हैं, मैंने उन सभी लोगों का जो है बहुत बहुत जो है यहाँ पर लवली इनू फाइनेंस के अंदर से जो प्रॉफिट करा के दिया है। एंड जो मेरी कोई सी भी वीडियो उठा के देख लेना, जब लवली इनू यहाँ पर जो पंप किया, जब जब उससे एक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई एंड उनको मैंने जो है एग्जिट पॉइंट भी दिया एंट्री पॉइंट के साथ साथ, एंड उन्होंने जो बहुत ज़्यादा फायदा लिया। लेकिन जहाँ तक है कि मैं अब भी देख रहा हूँ कि मेरे पास जो है कमेंट आ रही है एंड मेरे पास जो है यहाँ पर जो है इंस्टाग्राम वगैरह व्हाट्सअप वगैरह पर जो मैसेज वगैरह आ रहे हैं लोगों के, भैया लवली इनू फाइनेंस के बारे में कुछ बताइए, मेरा जो है इतना लॉस हुआ पड़ा है। तो भैया देखो, एक चीज़ बताओ कि आप जो है कुछ भी किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करोगे तो ऐसा ही होगा। मैंने आपको हमेशा से एक चीज़ बोली है कि भैया लवली इनू तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है, अगर आप प्रॉफिट नहीं लोगे तो लवली इनू की टीम प्रोजेक्ट, लवली इनू की जो टीम है वो इस प्रॉफिट को जो है बिल्कुल से ले लेगी, बुक कर लेगी। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल से नहीं है कि आप नहीं लोगे तो दूसरा इंसान ले लेगा, यहाँ पर दूसरा इंसान की बारी नहीं आएगी, लेकिन उससे पहले बीच में लवली इनू की टीम बैठी हुई है वो ले लेगी। मैंने हमेशा से आपको बुलाया, यहाँ पर पूरा का पूरा सिनेरियो जानेंगे, क्या अपडेट है उसके बारे में भी जानेंगे एंड क्या करता हुआ नजर आएगा लवली इनू अब आगे वो उसके बारे में भी जानेंगे। तो शुरू से लेकर एंड तक बने रहना और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको जो है यहाँ पर अपडेट मिलते रहते हैं। वीडियो को जो है लाइक भी कर देना यहाँ पर, अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेट लगी है वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँ करंट प्राइस की, तो 0.7x0 के बाद में 9x0 की जो सीरीज है वो डॉलर के अंदर रन करती हुई नजर आ रही है। 24 घंटे के अंदर चेंज भैया हमारा 6.1% समथिंग डाउन हमें जो है देखने के लिए मिल रहा है। अब ये जो यहाँ पर डाउन है बहुत ज़्यादा हो जाता है जबकि मार्केट हमारी इतनी ज़्यादा डाउन में नहीं है। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ी थोड़ी सी ग्रीन में देखने के लिए मिल रही है, जबकि हमारा लवली इनू भैया यहाँ पर क्या जा रहा है डाउन। यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई से जो लवली इनू है 91.8% के समथिंग जो है हमारे को डाउन में देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 393% अप है अपने ऑल टाइम लो से, जो कि कुछ भी नहीं है, एक तरह से समझ लो कि बिल्कुल से माइनस में टोकन चला जा चुका है। जिन लोगों ने बिल्कुल से एक दो साल पहले भी यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट किया होगा लॉन्ग टर्म समझ के, तो भैया वो भी यहाँ पर क्या है कि रेड में देखने के लिए मिल रहे होंगे। बात करूँ यहाँ पर मार्केट कैप रैंक की, तो यहाँ पर मार्केट कैप रैंक इनकी जो है 1077-1100 के समथिंग जो मार्केट कैप रैंक आ चुकी है। मार्केट कैप की बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 6.3 मिलियन डॉलर का जो मार्केट कैप है वो हमें देखने के लिए मिला। ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करूँ तो भैया पता नहीं ये ट्रेडिंग वॉल्यूम हमें कहाँ से देखने के लिए मिला 1.2 मिलियन डॉलर का, मुझे ये समझ में नहीं आया। कहीं ना कहीं ये जो टीम है वो फंड को लेके जा रही है बाहर, टोकन को सेल आउट कर रही है और बेचारे लोग बोले वाले वो फंस रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इन्होंने बोला था कि भैया 5 एक्सचेंज की जो लिस्टिंग है वन डे वन टाइम में हम जो है करने वाले हैं। जी दोस्तों हाँ, यहाँ पर वन डे वन टाइम के अंदर जो है 5 एक्सचेंज लिस्टिंग होने वाली है। यहाँ पर 5 एक्सचेंज के नाम जो है अभी तक नहीं निकल के आ पाए, कॉइन टीआर है ना, और ये क्रिट फैक्स एंड यहाँ पर ट्रैफिक्स फाइनेंस एक्स एंड एक जो एक्सचेंज लास्ट बचा हमारा पांचवा, उनकी बोला इन्होंने 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं इस न्यूज़ को आए हुए, एक दिन पहले की जो न्यूज़ है उन्होंने बोला कि भैया ये जो मतलब अनाउंसमेंट है पांचवें एक्सचेंज का हम जो है अगले दिन करने वाले हैं। लेकिन अगला दिन पूरा का पूरा 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक कोई भी न्यूज़ यहाँ पर कहीं पर भी इनके हैंडल पर नहीं है, किसी भी सोशल मीडिया कहीं पर भी, किसी भी, मैंने सारी जगह देखी कहीं पर भी मुझे देखने के लिए नहीं मिली। एंड यहाँ पर जो है इनका एक खुद का लवली एक्सचेंज की बातें हो रही थी उसका भी कोई अता पता है नहीं भैया, कहाँ है अता पता कुछ भी। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि भैया लवली इनू के अंदर आपको अब कितनी भी कुछ भी देखने के लिए मिले, कुछ भी देखने के लिए मिले मीन्स अगर आपको प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है ना, तो मैं आपको बोलता हुआ नजर आया बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर के भैया आप जो यहाँ पर स्कैल्पिंग कर लेना। यहाँ पर मैं आपको आज की डेट में लवली इनू को लेकर के स्कैल्पिंग भी सजेस्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी। तो बिल्कुल से भैया लवली इनू क्या है कि हमारा हो चुका है फेल, फेल और फेल। कब तक के लिए फेल हो चुका भैया ये हमारा लवली इनू फेल हो चुका है, एक साल के लिए। तो बिल्कुल से अगले साल अपनी थर्ड एनिवर्सरी पे ये फिर दोबारा से कुछ ना कुछ खेलना चाहते हुए नजर आएंगे। एंड यहाँ पर जैसे मैंने इस साल अपने कम्युनिटी का जो है प्रॉफिट करा के दिया है, हम अगले साल भी जो है आपको प्रॉफिट करा के देंगे। तो भैया कुल मिला के ये अपने बातों पर खड़े नहीं उतर रहे हैं आज की डेट तक। यहाँ पर 5 एक्सचेंज की बोला था नहीं हुआ है। एंड ये जो 7 तारीख है ये भी कोई कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर जो है इन्होंने 7 सितंबर 2023 को ये जो है यहाँ पर लिस्टिंग होने वाली है पांचों की पांचों, ये बिल्कुल से कंफर्म नहीं है।
कि ये करके ही दिखा दें, क्योंकि यहां पर अभी भी पांचवा एक्सचेंज नहीं निकल के आया है एंड डब्ल्यू एक्सचेंज की कोई अता पता नहीं है एंड पांचवें एक्सचेंज की कोई अता पता नहीं है। मीन्स कि ये जिन्होंने आज तक जितने भी वादे किए हैं वो कभी भी टाइम पर पूरे नहीं हुए हैं एंड बहुत सारे वादे तो ऐसे हैं वो आज तक ही पूरे नहीं हुए हैं, टाइम तो बहुत दूर की बात है। तो ये सारी चीज समझने की कोशिश करना आज की डेट में, क्योंकि अब इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिससे ये टोकन पंप हो जाए। एंड लोगों की अगर मैं बात करूं कि भैया लोग पॉजिटिव हो जाएंगे, तो भैया लोग जब पॉजिटिव होते हैं जब उनको टोकन प्रोजेक्ट के अंदर कुछ यहाँ पर अच्छी चीज देखने के लिए मिलती है। एंड बहुत सारे लोग अगर पॉजिटिव हों कुछ भी ना हो एक मीम टोकन बिल्कुल से यहाँ पर पंप होता हुआ नजर आता है, लेकिन टीम उनके साथ गलत ना करती हुई नजर आ रही हो। यहाँ पर ये जो सारी चीजें गड़बड़ घोटाला चलता हुआ नजर आता है, लोग पॉजिटिव होने की कोशिश करते हैं, बहुत पॉजिटिव होने की कोशिश करते हैं अपने ऐसे ऐसे फंड को जो है इस लवली न्यू के अंदर इन्वेस्ट करते हुए मेरे को लोग नजर आए, लेकिन होता क्या है एंड ऑफ द डे कि ये हमारी जो इसकी टीम है वो यहाँ पर धोखा देती हुई नजर आती है। तो ये सारी चीज समझने की कोशिश करो आप जो लोग नहीं समझते हैं, एंड जिन लोगों को बिल्कुल से समझ में आता है इस खेल वो लोग अच्छी तरह से समझते हैं। तो यहाँ तक है, मैं आज की डेट में तो भैया बिल्कुल से सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ लवली न्यू को किसी भी चीज़ के लिए, कि ना लॉन्ग टर्म के लिए, ना स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ना ही यहाँ पर स्कैल्पिंग के लिए किसी भी तरह से। आज की डेट में तो मैं बिल्कुल से सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। एंड यहाँ पर आपको वो चीज़ मैंने बताई थी कि आपको ये ऊपर जाता नजर आए तो बिल्कुल से झांसे में मत फंसना, ये आपको कुछ भी कहते हुए नजर आए झांसे में मत फंसना, लवली एक्सचेंज की बातें करते हैं झांसे में मत फंसना। एंड ये जो पांचवा एक्सचेंज है यहाँ पर, पांचवा एक्सचेंज है यहाँ पर, ये किसी एक्सचेंज का भी वादा करते हुए नजर आए उस झांसे में मत फंसना और मत फंसना। बात बाकी कि अपने जैसा चैनल ऐसे जरूर से करना, हो सकता है कि शायद आपका प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है कि शायद आपका लॉस हो जाए, आपका डिसीजन फाइनल डिसीजन रहने वाला है। वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो कर देना लाइक, इस चैनल पर इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मिलता हूँ नई वीडियो अपडेट के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।